नमस्कार दोस्तों, ई मित्र हेल्प वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर दो महीने बाद जब भी हम हमारा दरवाजा खोलते हैं तो हम दरवाजे पे हमारा बिजली का बिल पाते हैं और उसी बिजली के बिल को लेके हम कुछ ही दिनों बाद पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और वहां पे लगी हुई लंबी लाइन के अंदर लग जाते हैं और हमारी बारी का इंतजार करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा काम छोड़ते हैं। अगर मजदूर आदमी है तो मजदूरी छोड़ के जाता है, एक दिन की मजदूरी बर्बाद होती है। बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस बर्बाद होता है। तो क्यों ना इसका कुछ इजी तरीका अपनाया जाए और इसको इजीली घर बैठे हम पे करें। तो आज का वीडियो उसी के बारे में। तो दोस्तों, ऑनलाइन पे करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिसकी सहायता से हम ऑनलाइन बिजली का भी पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है और बहुत सारी समस्या है। तो मैं जो आज आपके लिए जो तरीका लेके आया हूँ वो सबसे इजी तरीका है जिसके माध्यम से हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये तरीका है एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन डिवाइस से भी आप अपने बिजली का बिल पे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल के अंदर टाइप करना होगा SSO लॉगिन। ये मैंने दर्ज किया SSO लॉगिन। जैसे ही SSO लॉगिन दर्ज करके मैं सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे शो होगा। तो इसको आपको ओपन करना है। ये मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी SSO आईडी व पासवर्ड दर्ज करने। दोस्तों इसमें ध्यान रखें, अगर आपके पास SSO आईडी नहीं है तो आपको पहले इसी के नीचे यह हुआ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है साइड में, इसके ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके आईडी जनरेट कर लेनी है। ये नॉर्मल वही तरीका जैसे हम फेसबुक वगैरह जो भी आईडिया जनरेट करते हैं। अगर आपको तो भी जनरेट करने नहीं आती तो इसी के बारे में भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर लूंगा, जहाँ से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से आप SSO आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी SSO आईडी से लॉग इन करता हूँ। मैंने अपनी SSO आईडी दर्ज की। अब मैं दर्ज करूंगा अपने पासवर्ड। मैंने पासवर्ड दर्ज कर लिए। अब मैं यहां पे कैप्चा दर्ज करूंगा। इसके बाद मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा। अब कुछ प्रोसेस होगी और उसके बाद आप पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहां पे ऊपर देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एक मकान का निशान, एक रुपए का निशान है। तो आपको इस रुपए के निशान के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन, पांच ऑप्शन शो होंगे। तो इसके अंदर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करना है। इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे डिस्कॉम लिखा हुआ आएगा। इसके अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। नीचे वाले ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है, आपके 12 डिजिट के नंबर दर्ज करने। के नंबर क्या है, के नंबर एक ऐसे नंबर है जिसके माध्यम से आप अपने बिजली का बिल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके ये के नंबर आपके जो बिजली का बिल है जो आपको प्राप्त हुआ उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सिर्फ आपके बिजली के बिल के नंबर आपको दर्ज करने हैं। चाहे यहाँ पे मैं दर्ज कर रहा हूँ ये के नंबर। ये मैंने के नंबर दर्ज किया। दोस्तों आप ध्यान रखना है कि के नंबर सही तरीके से दर्ज करें। या किसी और के नंबर दर्ज किए तो हो सकता है किसी और का बिल आप पे कर जाए। ये शो पे क्लिक किया और ये मैंने बिजली के बिल की डिटेल, तो एक बार इसको पढ़ लेना है ये बिल आपका है कि नहीं। ये पूरा मैंने डिटेल पढ़ ली, कौन से महीने का है, कितना बिल है, अमाउंट वगैरह चेक कर लिया बिल से क्रॉस। अब मैं इसको पे करने दो। पे करने के लिए आपको कोई नहीं करना, आपको पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही पे बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। पेमेंट गेटवे वही है जो नॉर्मली हम ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी तरीका यूज करके ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, इसमें कोई खास नहीं है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे अगले 12 महीने के जितने भी बिजली के बिल थे जो भी हमने ऑनलाइन SSO पोर्टल के माध्यम से पे किए या फिर कहीं नजदीकी ई मित्र पे जाके पे किए उनकी जानकारी या फिर रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट 6 ट्रांजेक्शन पे आपको जाना होगा।
महीने में गया। अब मेरे अगले पूरे साल 2017 में मैंने जो भी ऑनलाइन पेमेंट किए थे इसी पोर्टल के माध्यम से, उनकी सारी डिटेल मुझे मिल गई। इसके बाद के मैंने हैं जो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं किए तो डिटेल नहीं बता रही है, तो ये सारी डिटेल मुझे बता रही है, जितना भी बिल है, वॉलेट से सक्सेस, सब सक्सेस बता रहे हैं। और इसके अलावा इसकी ये आँख के निशान पर क्लिक करके इसकी रिसिप्ट भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ये मैंने रिसिप्ट जैसे कि ये प्रिंट कर, ये शो हो रही है। अब इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ या सेव भी कर सकता हूँ। तो ये था दोस्तों, ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन डिवाइस से बिजली के बिल पेमेंट करना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी जरूर करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अपने हमारा चैनल इमित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और पास में ही दिखाई दे रहे बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना भूलें। दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी और भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा जिसके आप मोबाइल फोन डिवाइस से भी इन सारी सर्विसों का उपयोग कर सकते, जैसे राशन कार्ड, भामाशाह वगैरह बहुत सारी सर्विसें हैं जो आप अपने मोबाइल फोन डिवाइस से भी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो दोस्तों, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो।